हमारे तीनों मुख्य अतिथि मैन ऑफ द मैच देंगे, और मैन ऑफ द मैच बनता भी है क्योंकि इतनी अच्छी पारी खेली आज और इतने अंतर से जीती है, और हम उनसे कुछ बातें भी करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त बोल बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं अंकित मौर्या, तो देखते हैं आज कितना बड़ा स्कोर बना पाती है रेड रोज शिवनी मध्य प्रदेश की टीम। इवन जो नाम आप सुनते हैं वो एक शख्सियत है इस टूर्नामेंट में, जो ऑनर है इस टीम के, नानू नानू भाई, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नानू भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, पंचम गणेश आयोजन समिति इस क्षीर सागर मैदान के सभी दर्शकों की तरफ से। आप ऐसे ही फले फूले और ऐसे ही खिलाड़ियों को आप मौके देते रहे और पूरे भारत देश में खिलवाते रहे, तो नानू भाई अगेन आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। लीजिए खेला शॉट बहुत तेजी से वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, देखते हैं पकड़ पाते नहीं, अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प होगा। चला बहुत ही बेहतरीन शॉट अंकित मौर्या, ताबड़तोड़ बैट्समैन सफल करके आए, और लीजिए उनके बल्ले से ललती है तो 1/47 इसी तरीके से चलती है। एक्स्ट्रा कवर वाला शॉट, गुड नॉट एक तमाशा देख, और 1/47 का सिक्सर देख, लंबा छक्का। ये निश्चित रूप से आज काफी अच्छी बैटिंग करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, सफल करके आए थे। और एक और शॉट वहां पर, जबरदस्त बैटिंग करते हुए अंकित मौर्या, और अंकित मौर्या शेर तो शेर ही होता है। चलिए पहले से ही वहां पर कुछ मन बनाया था रिवर्स का, लेकिन अंतिम समय बॉल को खेल दिया डीप लॉन्ग ऑन की तरफ। अच्छी बैटिंग करते हैं अंकित मौर्या, लंबाई जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, बल्ला जितनी तीज घुमाते हैं वहां की पूरी जो आसपास की थोड़ी सी धूल रहती है वो उड़ जाती है। कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। वहां के निकल कर आए थे स्क्वायर लेग की तरफ, खेला बहुत तेजी से, पहला रन बनाया डीप स्क्वायर लेग पर, बॉल को जाकर नहीं पकड़ पाएंगे, अंपायर का इशारा। चल रहे बहुत ही जबरदस्त शॉट, पश्चात हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और अंकित मौर्या कटनी के लोकल बॉय। अंतिम समय में कट किया है, आउटफील्ड तीज है, और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर सही जजमेंट नहीं लगा पाए, कैच पकड़ लेते तो बड़ी विकेट मिल सकती थी। देखना दिलचस्प होगा कि अब यहां से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लीजिए वहां पर तालियां बजनी चाहिए, घुटना टेक तमाशा देख। तैयार हो गए थे अंतिम समय में, वहां पर लीजिए स्टांस बद लीजिए, दिशा से भटके पहले से ही पता था, और निश्चित रूप से एरोप्लेन की स्टाइल में हाथ लहराए अंपायर ने, की लगाकर बैठे दर्शक। चलिए एक फाइनल की तरफ, खेला बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ, बॉल जा रही है लेकिन फील्डर पहुंचेंगे और दूसरा रन क्या पूरा कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अंकित मौर्या एक उपयोगी पारी और एक बेहतरीन पारी खेलते हुए मुश्किलें पैदा होती हुई कहीं ना कहीं, इस बार फिर से खेला स्क्वायर लेग की तरफ, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, बच गए अंपायर। चलिए ड्राइव किया वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर लॉन्ग ऑन के आ रहे, लॉन्ग ऑफ के माफ कीजिएगा, अच्छी फील्डिंग लेकिन दो रन लेने से ना रोक सकेंगे और पहुंच गए क्या, और चलिए बहुत बड़ी सफलता, हर शतक बना लेते लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटेंगे। पहला टूर्नामेंट का अर्धशतक होता, मात्र 6 रन दूर थे, लेकिन दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाएं। अंकित मौर्या की बैटिंग पसंद आई हो तो एक बार ग्राउंड पे जोरदार ताली बजाएं सभी लोग, बड़ा बैटिंग। अंकित मौर्या आ रहे हैं, आगे निकल कर आए, क्या सफलता मिलेगी अंकित मौर्या को, देखना दिलचस्प होगा। और कैच पकड़ लेते तो जीवन का पहला विकेट होता उनका, लेकिन चूके।
इस बार लीजिए फुल टॉस है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है। पहला रन तेजी से बनाते हुए दूसरे की क्या मांगूंगी, जी नहीं मना किया, तो बस औपचारिकताएं शेष रह गई है। और आज पता चला कि गेंदबाजी भी करते हैं अंकित। इस बार लीजिए स्कूप करना चाहते थे, टाइम गुजरात के बीच खेला जाएगा अगला मुकाबला। और बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन दो रन लेने से ना रोक सकेंगे। हमारे दर्शक भी उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं इस समय, अंतिम पड़ाव पर है ये मैच। चलिए शॉट तो खेला है, क्या विकेट मिलेगी अंकित को? और चलिए तालियां बजनी चाहिए, जीवन की पहली विकेट मिली अंकित को टूर्नामेंट में। जमाती हुई बाइक स्टेज पर है, एक बार भरो महीने भर चलो मैन ऑफ द सीरीज दी जाएगी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी। और चलिए इस मुकाबले को जीत लिया है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है 44 रन और एक विकेट अंकित मौर्या। विगेन